नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों फाइनली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC की तरफ से CHSL के अंदर काफ़ी बड़ी भर्ती आपकी निकल चुकी है। 2024 का पहला नोटिफिकेशन आपका फाइनली आउट हो चुका है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि आज की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे क्या रखी गई है, इसके अलावा आपके यहाँ पे एग्जाम्स होगी या फिर बिना एग्जाम्स के यहाँ पे सीधी भर्ती होने वाली है, और कौन सी वेबसाइट पे जाके आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना होगा, सारी की सारी अपडेट देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। चैनल पर अगर आपने तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों बात करें यहाँ पे SSC CHSL के नई भर्ती के बारे में, तो यहाँ पे अपन इसके एग्जाम ओवरव्यू के बारे में सारी की सारी अपडेट देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम नेम की अगर मैं बात करूं तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बोर्ड की तरफ से कमांड हायर सेकेंडरी लेवल की जो आपकी वैकेंसीज़ है यानी कि 12th पास आउट की जो वैकेंसीज़ है वो आपके यहाँ पे निकाली गई है। नोटिफिकेशन आपका यहाँ पे 9 अप्रैल 2024 को डिक्लेयर हुआ है। एग्जाम लेवल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है नेशनल लेवल आपकी जो है एग्जाम यानी कि सेंट्रल लेवल की अभी एग्जाम्स होती हैं। एग्जाम्स की अगर मैं बात करूँ तो साल में यहाँ पे जो है एक बार आपकी जो है नोटिफिकेशन आउट होता है CHSL का। इसके अलावा MTFs के, CGL के, CPO के जितने भी नोटिफिकेशन है SSC की तरफ से वो साल में एक बार यहाँ पे डिक्लेयर होते हैं। एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो ऑनलाइन बेस पे आपके यहाँ पे एग्जाम्स होने वाली हैं। एग्जाम जो है आपकी दो टाइप में होगी, टायर 1 और टायर 2। टायर 1 आपका जो है CBT एग्जाम्स होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, उनको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा टायर 2 आपका एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी कि आपको यहाँ पे जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एक्सेप्ट 4 मॉडल 2nd ऑफ सेक्शन 3rd के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चंस का आपको यहाँ पे जवाब देना होगा। बात करें एग्जाम ड्यूरेशन की तो आपको 60 मिनट का समय मिलेगा, 100 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं, प्रत्येक क्वेश्चंस आपका 2 नंबर का होगा और 200 मार्क्स के यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस रहने वाले हैं। टायर 2 के अंदर आपके यहाँ पे 2 घंटे 15 मिनट का समय होगा, इसके अंदर आपका स्किल टेस्ट होगा, इसके अलावा यहाँ पे आपकी जो टाइपिंग टेस्ट है वो आपके यहाँ पे रहने वाली हैं। नेगेटिव में मार्किंग की अगर बात करें तो 0.54 यानी कि ईच इनकरेक्ट आंसर मार्क्ड इन टायर 1, यानी कि आपका अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो आपकी नेगेटिव मार्किंग 0.50 मार्क्स की होगी, यानी कि आधा अंक जो है आपका यहाँ पे कट हो जाएगा। इसके बाद में बात करें एग्जाम लैंग्वेज की तो आपकी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपके एग्जाम्स कंडक्ट होंगी, दोनों भाषाओं में आपका जो है एग्जाम पेपर रहने वाला है। ओवरऑल आपके जो है 100 सिटीज़ हैं वहाँ पे आपके यहाँ पे जो है टेस्ट होने वाले हैं, आपका जो एग्जाम सेंटर है ओवरऑल 100 सिटी के अंदर आपका यहाँ पे रहने वाला है। इसके अलावा आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है ssc.gov.in, इसी वेबसाइट पर जाके आपको यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना होगा। नोटिफिकेशन जो है आपका 8 अप्रैल 2024 को रिलीज हो चुका है। 8 अप्रैल 2024 से लेकर 7 मई 2024 तक आप यानी कि 1 मंथ तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर पे SSC CHSL एप्लीकेशन फ़ीस, एप्लीकेशन जो फीस है आपका जो चालान कटेगा वो 8 मई 2024 तक कटेगा, यानी कि आपको 1 दिन का एक्स्ट्रा समय यहाँ पे मिलने वाला है। SSC CHSL एप्लीकेशन करेक्शन, आपका अगर आपने फॉर्म भरा है और आपका फॉर्म बाई मिस्टेक अगर गलत हो जाता है तो आपको मॉडिफिकेशन के लिए 10 मई 2024 और 11 मई 2024 यानी कि 2 दिन का आपके पास में समय होगा, आप जो है 2 दिन के अंदर आप अपना फॉर्म सही करवा सकते हैं। टायर 1 के एग्जाम्स की डेट की अगर मैं बात करूं तो 1 जुलाई 2024 से लेके 12 जुलाई 2024 कुल मिलाकर के 12 दिन आपके यहाँ पे एग्जाम्स चलने वाली हैं। अप्रैल में आपके यहाँ पे फॉर्म भरने वाले हैं, मई जून यानी कि 2 मंथ का आपके पास में समय है एग्जाम्स की तैयारी करने का, जुलाई में आपके यहाँ पे एग्जाम्स होने वाली हैं। टोटल वैकेंसीज़ आपकी 3712 रहने वाली हैं, 3712 वैकेंसीज़ पर आपके यहाँ पर जो है भर्ती निकाली गई है। बात करें कि आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए, अपने फोटो सिग्नेचर अपलोड कीजिए, अपना जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे फिल कीजिए, उसके बाद में आपको यहाँ पे चालान कटवा लेना है, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, आप इसके अलावा नज़दीकी ई मित्र पर जाके भी आप अपना एग्ज़ाम का जो फॉर्म है, अपना जो ये SSC CHSL का जो CHSL का जो फॉर्म है वो आप भरवा सकते हैं, अगर आपके घर में कोई भी सुविधा नहीं है फॉर्म भरने की। ठीक है, तो आपको जो है ये ध्यान रखना है कि आपको ssc.gov.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसी वेबसाइट के जरिए ही आपको यहाँ पे फॉर्म भरना होगा। बात करें यहाँ पे जो है
एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो ओवरऑल आपकी जनरल और अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो आपको 100 रुपये का चालान देना होगा। इसके अलावा अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं, एससी एसटी एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपके लिए यहाँ पे कोई भी चालान नहीं रहने वाला है। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, चालान आपका बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं कटने वाला। बात करें यहाँ पर CHSL एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपके यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको 12th पास आपके यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप सिंपली 12वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 से 27 साल जो है आपकी एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। SST वालों को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC वालों को 3 साल की छूट दी जाती है। इसके अलावा जो एक्स सर्विस मैन है उनको यहाँ पे 3 साल की छूट दी जाती है। इसके अलावा अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे इन साल की यानी कि जो 5, 8, 10, 5 साल की आपको छूट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी जो है SSC CHSL के अंदर आपकी 2 पोस्टें निकाली जाती हैं, एक तो LDC और इसके अलावा एक JSA और एक DU, ठीक है। इसके अलावा DU ग्रेड 1 की जो वैकेंसीज है ये भी आपके यहाँ पे निकाली जाती है। अगर आप LDC JSA से अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आप 12th पास होनी चाहिए आपके पास में, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप DU से फॉर्म भरते हैं तो आपके पास में 12th क्लास के अंदर आपके पास में साइंस स्ट्रीम में आपकी मैथ्स यहाँ पर ज़रूरी है, यानी कि 12th क्लास में अगर आपके पास में मैथ्स है तो ही आप DU का फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप LDC JSA का फॉर्म भरते हैं तो आपके पास में 12th पास होनी चाहिए, आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो आपका यहाँ पे पहले CBT एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट, शायद टाइपिंग टेस्ट होगा, और उसके बाद में आपके नॉर्मल से डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे और फाइनल सिलेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपके जो है 4 सब्जेक्ट यहाँ पे रहने वाले हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, आपकी क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स और जनरल अवेयरनेस, ठीक है। 4 सब्जेक्ट आपकी होंगे, एग्जाम ड्यूरेशन आपका 1 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे और 1 क्वेश्चंस गलत करने पर आपके 0.50 अंक काट लिया जाएगा, यानी कि 1/4 तो आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। दोस्तों सारी की सारी अपडेट मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो आप यहाँ से जो है एग्ज़ाम सिलेबस भी देख सकते हैं, ये इंग्लिश का है आपका। इसके अलावा ये जनरल इंटेलिजेंस यानी कि आपकी जो रीजनिंग है उसका है, और इसके अलावा ये आपके मैथ्स का जो है सिलेबस है, और नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी जनरल अवेयरनेस के सिलेबस की अपडेट, ठीक है दोस्तों। तो इसके अपडेट के लिए आपको इसी प्रकार की अपडेट मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। एडमिट कार्ड जो है मेरे ख्याल से आपको जून के एंड तक देखने को मिल जाएंगे, यानी कि 7 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। तो अप टू डेट सारी की सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी, कब आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, कब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, कब आपकी आंसर की जारी होगी, आगे की जो जितनी प्रोसेस वगैरह हैं वो सारी इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। तो चैनल पर अगर आप नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका फिर भी कोई भी डाउट हो उस भर्ती से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें पूछ भी सकते हैं। इसी प्रकार की अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। सब सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।